तभी महाराष्ट्र बीजेपी में जबरदस्त पकड़ रखने वाले नेता एकनाथ खड़से एक बार फिर पार्टी में वापसी करने की तैयारी में है। भाजपा की ओर से महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष और 1995 से मंत्री रह चुके एकनाथ खड़से और कभी पार्टी के बड़े ओहसे बीसी चेहरा हुआ करते थे, लेकिन 2020 में पार्टी छोड़कर शरद पवार की एनसीपी के साथ गए। शरद पवार ने उन्हें विधान परिषद सदस्य बनाया, लेकिन एकनाथ खड़से फिर अपनी पुरानी ही पार्टी में लौटने जा रहे हैं। तो राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां उन्होंने चार दशक तक राजनीति के लेकर एकनाथ खड़से भी वापसी के साथ बीजेपी में नेताओं के अंदरूनी कलह भी देखने को मिल रही है। लगातार पूरे देश में सियासत तेज है। लोकसभा 2024 का चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है, सब जगह सियासत बढ़ी हुई है। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ खड़गे के बीच 36 का आंकड़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ खड़गे के बीच 2014 में बनी आपको बता दें 2014 में बनी भाजपा की राज्य सरकार में सीएम पद को लेकर जो रेस थी वो भी होने के चलते लगातार खड़गे का नाम आगे भी आ जाता है और लगातार ऐसे ही सियासत होती रहती है। लेकिन अंत में बाजी देवेंद्र फडणवीस के हाथ लगी है। देवेंद्र फडणवीस ने आखिरी में बाजी मार ली। एकनाथ खड़से को कई अहम मंत्रालय सौंपे गए, लेकिन दोनों के बीच तब से खींचतान बनी हुई है। जब से लोगों को ये इस तरीके के पद दिए गए हैं, तब से लगातार और खींचतान बनी हुई है और इस तरीके का विवाद बना हुआ है। वो एकनाथ खड़के की बीजेपी माने के ऐलान के बाद भाजपा में उनके खिलाफ बगावती सुर भी शुरू हो गए हैं, बगावती सुर भी देखने को मिल रहे हैं। दरअसल बीजेपी जो नेता हैं गिरीश महाजन ने अपने पूर्व सहयोगी एकनाथ खड़के पर जोरदार हमला बोलते हुए लगातार उन पर निशाना साधा है। उन्हें बुझा हुआ दीपक की संख्या दी है, उन्हें बुझा हुआ दीपक करार दिया है। वह दूसरी ओर डोमेस कंट्रोल करते हुए महाराष्ट्र बीजेपी आपको बताते चले अध्यक्ष जो चंद्रशेखर हैं, उन्होंने भी बड़ा हमला बोला है। बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कभी भी एकनाथ खड़गे का विरोध नहीं किया है। और ऐसे में जब खड़गे से एक बार फिर कमल आपको बता दें थामते हैं, तो महाराष्ट्र बीजेपी उनका किस तरीके से स्वागत करती है, ये तो देखने वाली बात ही होगी। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।